SBS News, सच का साथी। लखनऊ में किन्नर समाज के द्वारा की गई प्रेस वार्ता, जिसमें सैयदा हाजी ने बताया कि किन्नर समाज वर्षों से अपनी परंपरागत तरीके से खाने कमाने और पूर्वजों की इज्जत करने में व्यस्त रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हम रामराज और अवध के भी किन्नर आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, कभी हमारे बीच कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं उठा। और उन्होंने बताया कि हमारे ही समाज के कुछ किन्नर हमारे बीच जातिवाद का जहर घोलना चाहते हैं तथा आपसी एकता को तोड़ना चाहते हैं। इनका मकसद क्या है मुझे नहीं पता। सरकार से उन्होंने निवेदन किया कि आगे कोई बड़ी दुर्घटना या कोई बड़ा बवाल न हो, इसके लिए उन्होंने सरकार से अपील भी की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये हम आपस में बैठकर समझौता कर लें, यह समझौता लिखित रूप में होना चाहिए ताकि इससे किन्नर समाज के अंदर कोई फूट पैदा ना हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी लोगों की दिल की गहराइयों से अखिल भारतीय अयोध्या किन्नर समाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारी गुरु प्रमुख किन्नर समाज की अध्यक्षा गुलशन बिंदु किन्नर, हमारी किन्नर अध्यक्ष लखनऊ की शहीदा जी, हमारी तमाम किन्नर साथी सबको जी, तमाम लोगों मंच में हम लोग उपस्थित हैं। आज प्रेस नोट आपके सामने जो इन्होंने हमारी जिला अध्यक्ष लखनऊ की जो प्रेस नोट, मैं प्रवक्ता हूँ किन्नर समाज की, उस नाते में आपको अवगत कराना चाहती हूँ। विषय किन्नर समाज में एकता और शांति हेतु, हमारे किन्नर समाज में एकता और शांति होनी चाहिए। जो कुछ असामाजिक लोग असमान में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, मैं सैयदा हाजी जो कि हमारा किन्नर समाज वर्षों से अपनी परंपरागत तरीके से अपने खाते कमाते तथा अपने पूर्वजों की इज्जत करते हैं, आप लोग को क्या है, और उनके बताए रास्ते पे चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ रामराज के भी और अवध के भी किन्नर आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, कभी हमारे बीच में कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं उठा, चूंकि हमारे ही समाज के कुछ किन्नर हमारे बीच जातिवाद का, उनका मकसद क्या है मुझे नहीं पता। मेरा सरकार से निवेदन यह है कि आगे ये लोग कोई भी बड़ा बवाल कर सकते हैं, यह मामले कोई सांप्रदायिक मोड़ ले सकता है। यह बयान सैयदा हाजी किन्नर जी का है, प्रमुख मोड़ ले सकता है। हम चाहते हैं कि उससे पहले इस मामले को लिखित तरीके से सुलह समझौता करके निपटा दिया जाए ताकि हमारी एकता में कोई फूट न पड़े और हम अपने पूर्वजों को बताए रास्ते पे चल सके। ये हमारी प्रेस नोट, हमारी पकड़ लीजिए, हमारी सैयदा किन्नर जी के तरफ से प्रेस नोट है, और आगे आप लोग जो सवाल पूछेंगे हम उसको। ये जो किन्नर समाज है ये कहाँ से, जो दूसरा तबका, दिक्कत ये है कुछ लोग किन्नर इसे क्या कहते हैं आके और वीडियो कॉलिंग करके व्हाट्सएप पे बोल के मेरे में उनको टॉर्चर करते हैंगे और डिस्टर्ब करते हैं कि आप राम राज को छोड़ के और इसे क्या कहते हैं आगरे की गद्दी अपना लो। तो हमने कहा जब मेरे परंपरा से पुस्तों से क्या कहते हैं रामराज की गद्दी चली आ रही तो मैं कैसे बदल दूंगी। उसी में उन्हीं ने मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद में धरना प्रशासन की धमकी देते, कहीं कुछ देते कि तुमको इस मामले में तुमको अंतर करवा, जब हमारी नहीं सुनवाई होगी। अभी तो मैंने खाले बाजार थाने में एप्लीकेशन दी है, फिर मैं योगी जी के पास में जाऊंगी, वहाँ नहीं सुनवाई होगी तो मोदी जी के पास में जाऊंगी, वहाँ नहीं सुनवाई होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, वहाँ नहीं होगा तो फिर डीएम ऑफिस में जाऊंगी, समझे, सब कुछ मैं सबसे दुहाई लगाऊंगी। हम कहना चाहते हैं हम अपना भाईचारा का गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारा पूरा हिंदुस्तान का तो बरकरार रखना चाहते हैं। हम उनको कभी भी पीड़ित करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग को प्रेरणा देना चाहते हैं वो लोग, समझे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ एक बात आप लोग से कि देखिए जैसे वो हैं
वैसे वो अपनी रहे, जैसे हम लोग हैं ऐसे हम लोग रहे, समझे। हमारी आरजू है उनसे हाथ जोड़ के विनती है, कहीं बैठे हमारे सामने आपस में हम लोग बैठ के एक समझौता हमारा जो है हमारा राम राज्य।